आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल यानी कि उत्तर प्रदेश लेखपाल के बारे में, जो आने वाली वैकेंसी है, मोस्ट अवेटेड है। पहले इसमें ऑनलाइन भी शुरू कर दिया गया था, यानी आवेदन बीच में इसको रोक दिया गया था। तो क्या इसको इसमें शामिल होने के लिए पीईटी पास करना ज़रूरी है? जितने भी कैंडिडेट हैं सभी को इसमें बुलाया जाएगा? तो सारा कन्फ्यूजन मैं आपको इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड, सबसे पहली बात तो ये है कि जो पीईटी की एग्ज़ाम है उसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, यानी पीईटी की एग्ज़ाम डेट 21 अगस्त रख दी गई है, और यानी कि 20 अगस्त जो है उसकी रख दी गई है। तो सबसे पहले आपका एग्ज़ाम कौन सा होना है? पीईटी होना है। इसके बाद जितनी भी वैकेंसीज के नोटिफिकेशन आएंगे, चाहे वो किसी भी हो, यानी जो ग्रुप सी के अंतर्गत आती हैं, वो पीईटी की कट ऑफ लगेगी। उस कट ऑफ के बाद ही जो भी उसको क्वालिफाई करेगा उसी को उसमें पेपर देने का मौका मिलेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो यूपी लेखपाल की भर्ती आने वाली है, अगर आप चाहते हैं उसको पेपर देना, उसमें शामिल होना उस भर्ती में, तो आपको पीईटी पास करना अनिवार्य है। अब बात करते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं। सिलेबस उसका आ चुका है, आप चाहें तो हमने एक जो दो वीडियो भी अपने चैनल पर डाला हुआ है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, उसमें लगभग 8000 समथिंग पद हैं, और जो पीईटी के लिए कुल आवेदन किया है स्टूडेंट्स ने, वो किया है लगभग 21 लाख, यानी 21 लाख लगभग उन्होंने आवेदन किया है टोटल कैंडिडेट्स ने। तो और 80000 पद हैं, तो वो अगर 10 गुना भी सीट्स का मांगते हैं तो लगभग 80000 जो कैंडिडेट हैं वो क्वालिफाई किए जाएंगे। किसके लिए? लेखपाल भर्ती के लिए। यानी 80000 कैंडिडेट को परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जितने भी आपने पीईटी में ऑनलाइन कराया तो आपको लेखपाल भर्ती में शामिल होने का मौका मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भीड़ भाड़ खत्म करने के लिए ही ये पीईटी लाया गया है, जिससे कि कैंडिडेट को बार बार परेशान ना होना पड़े। ये आपकी एक तरह की जो है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम मान लीजिए, जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेगा, कट ऑफ इसकी आएगी, जो कट ऑफ में जिसका नाम होगा, जिसका रोल नंबर होगा, वही जो होगा, यानी कि जो यूपी का लेखपाल भर्ती होगी उसी में शामिल होगा। तो आपको पहले जो 20 या 21 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाली है पीईटी की, उसको क्वालिफाई करना है, उसमें अच्छे से स्कोर करना है, क्योंकि वो साल में सिर्फ एक ही बार आयोजित की जाएगी। तो आपका मेन टारगेट वो है, उसके बाद अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो आप लेखपाल की तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही जानकारी देनी थी इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट अपडेट के लिए बने रहिए। किसी भी टॉपिक पर कोई भी जानकारी आपको चाहिए, हमें कमेंट कर दीजिए, उस पर वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।